अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जैसे ही विंटर शुरू होती है बाहर आ जाती है हरी हरी सब्जियों की, चारों तरफ हरी हरी सब्जियां और मशरूम गाजर ये सब देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और नई नई सब्जियां आती हैं तो मन करता है बस सर्दी में रजाई में बैठ करके ये सब्जियों का आनंद लिया जाए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी एकदम बढ़िया स्टर फ्राई की रेसिपी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वेजिटेबल स्टर फ्राई खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये हेल्दी भी है, पेट भी भरा रहता है, न्यूट्रिशन भी हमारे में जाते हैं, तो इसे खाकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए मेरे साथ मेरी खट्टी मीठी रसोई में इसे बनाने के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए। इसे बनाने के लिए हमें ग्रीन सब्जियां चाहिए और मशरूम चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको मैंने कौन कौन सी सब्जियाँ ली हैं। मैंने ली है फ्रेंच बीन और ली है मैंने स्प्रिंग अनियन लिए हैं और कैप्सिकम लिया है और लिए हैं कैबेज और मैंने बकचुआ लिया है, ये एक चाइनीज है सब्जी है, और कैरेट है मेरे पास, मशरूम्स हैं। और आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, बेल पेपर भी ले सकते हैं, येलो रेड, आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, आप वेजिटेबल अपनी पसंद से डाल सकते हैं। और ब्रोकली भी ली है मैंने, इसमें कॉर्न लिए हैं। ये बकचुआई को हम काट लेंगे, अगर आपको ये मार्केट में मिल जाता है तो आप इसे जरूर ऐड कीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब हम सबसे पहले एक पैन में लेंगे पानी और उसमें हम सब्जियों को ब्लांच करेंगे। आप बकचुआई को काट लीजिए, बस आप उबलते पानी में इसको बस एक सेकंड के लिए डालिए, थोड़ा सा ये नरम हो जाता है। और इसका कलर ग्रीन रहे इसके लिए हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, हाफ चम्मच डाल देंगे, इससे इसका कलर जो है वो हरा ही रहेगा। और अब निकाल लेंगे हम इसको, हम ब्लांच कर लेंगे, इसको पकाना नहीं है, बस ये हमने निकाल करके ठंडे पानी में डाल के रख दी थी। ठंडे पानी में डालने से कुकिंग प्रोसेस जो है इसका वो रुक जाता है और ये एकदम क्रंच बरकरार रहता है इसका। पैन में अब हम डाल देंगे गाजर, जो हार्ड सब्जी है थोड़ी सी वो डाल लेंगे, हम गाजर डाल देंगे और ब्रोकली डालेंगे और बीन्स डालेंगे, ये हमने सिर्फ उबलते पानी में एक सेकंड के लिए डाल के निकाल लेना है। हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाती हैं, जो खाने में कच्ची नहीं लगती। ध्यान रहे हम इसमें शिमला मिर्च नहीं डालेंगे, मैंने ब्रोकली और वो डाली है बीन्स कैरेट, ये सब चीजें मैंने डाली हैं। आप जुकीनी वगैरह डाल रहे हैं तो आपको जुकीनी भी इसमें डालने की जरूरत नहीं है, बस अब निकाल लेंगे इसको हम। और जैसे हमने बकचुआ को डाला है ऐसे ही इसको भी हम निकाल लेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे, इससे एक तो कलर अच्छे से रहता है ग्रीन और इसका क्रंच भी बरकरार रहता है, और जब तक सब्जियों में क्रंच ना हो तो अच्छी नहीं लगती। इसको अब एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे हम ताकि इसका एक्सेस पानी है जो सारा निकल आए। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल
और ढेर सारा डाल देंगे हम जिंजर गार्लिक। ये गार्लिक है जो मैंने 2 से 2.5 चम्मच जो है वो डाला है, बारीक करा हुआ है, और 1 चम्मच मैंने डाली है जिंजर, ये भी बारीक कर रखी है। इसको अच्छे से सॉटे करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे स्प्रिंग अनियन जो काटे हुए हैं हमने, लीव्स के साथ ही डालेंगे हम, जो इसका ग्रीन पार्ट होता है वो भी डाल देंगे और अच्छे से सॉटे करेंगे इसमें। और अब डाल देंगे हम पत्ता गोभी। आप पत्ता गोभी को अपने हिसाब से काट सकते हैं, चाहे तो मोटा काट लीजिए, चौड़ा काट लीजिए, कैसे भी काट लीजिए, वो आपकी इच्छा है। और अब हम इसमें डाल देंगे बकचोए, ये भी आप मोटे पतले अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और जो हमने सारी ब्लांच करी हुई वेजिटेबल थी वो भी सब डाल दी है, और इसी के साथ डाल दिए हमने मशरूम और शिमला मिर्च। अब बेल पेपर भी डाल सकते हैं, रेड और येलो जो आती हैं। सब्जियां अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं और जो आपकी इच्छा हो वो ऐड कर सकते हैं। हमें सब्जियों को बहुत ज्यादा इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि इससे क्या है बहुत ज्यादा अच्छे से वो गल जाती हैं, जो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें ऐड कर देंगे हम नमक, ये अपने स्वाद अनुसार कीजिए। ध्यान रहिए हमें सॉसेज भी डालनी है, इसलिए आप कम ही डालिए। और डाल दिए हमने काली मिर्च और अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है, आपको अगर डालना है तो डालिए, नहीं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अजीनोमोटो डालने से चाइनीज चीजों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और जो असली टेस्ट है वो इसी का ही आता है। और अब इसमें ऐड कर दिए हैं हमने अपने फ्रोजन कॉर्न, करे हैं मैंने ऐड। अगर आपके फ्रोजन नहीं है तो आप इसको उबाल करके ही लीजिए। और अब एक सॉस तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच लिए हैं मैंने सोया सॉस, 3 चम्मच लिए हैं मैंने चिली सॉस, ये आपकी जितनी सब्जी है उसके हिसाब से आप डालिए। और सेसमी ऑयल डाला है मैंने 1 चम्मच, आप 1-1.5 चम्मच डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है, 1 से 2 चम्मच, जो आप जितना आपके टेस्ट के हिसाब से लीजिए। आप चीनी की जगह हनी भी डाल सकते हैं, और ये एप्पल साइडर विनेगर है 2 चम्मच। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप जो विनेगर आपके पास है वो भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई गांठें ना रहे बीच में। और जब आप इसमें ऐड करेंगे तो मिला करके अच्छी तरह से फिर ऐड कीजिए, कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। और ये अपनी सब्जियों में डाल देंगे और चलाएंगे सब्जियों को। डालने से जो है वो अच्छे से सब्जियों में जो है एक तो अच्छे से बन जाती है, और ग्रेवी भी हमारी थोड़ी सी जो है इसमें गाढ़ी हो जाती है, और सभी सब्जियों में अच्छे से लिपट जाती है, और ये जरूरी है डालना। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे क्रंच के लिए, अच्छा सा क्रंच आए उसके लिए हम डालेंगे पीनट्स, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो इसको अवॉइड कर दीजिए। और चिली फ्लेक्स डालेंगे, और थोड़े से डालेंगे हम सेसमी सीड्स डालेंगे, रोस्टेड है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप ये तीनों चीजें डाल के खाइए, आपको मजा आएगा। लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल स्टर फ्राई, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार जरूर बना के देखिए। चलिए जी, अब टेस्टिंग की बारी है, टेस्ट करके देखते हैं बनी कैसे है।
बहुत ही टेस्टी, सब्जियों का क्रंच और उसके अंदर जो हमने सॉस डाली है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप भी बनाइए और खाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए और विंटर को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।